हेलो बच्चा पाठ। तो हम आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। ओके, प्रश्नावली 8.1, ठीक है, जो होगा क्लास 10th बीटी बीसी। ओके, प्रश्नावली 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देख सकते हैं आप। 8.1 का क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। तो क्वेश्चन ए के लिए हम पहले ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्या दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट में? ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाते, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है। यहां बोला गया बी समकोण है, तो बी समकोण बना लिए। ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान बताए, किसका किसका मान बताना है? निम्नलिखित का मान बताए, ठीक है, निम्नलिखित का मान क्या होगा वो बताना है। तो फर्स्ट में क्या चीज है? फर्स्ट में है साइन ए इंटू कॉस ए, एंड सेकेंड में है साइन सी इंटू कॉस सी। यहां पे एंगल ए का भी बात होगा और एंगल बी का भी बात होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले हम एंगल ए को लेकर चलते हैं, ठीक है। हम एंगल ए को मान लेते हैं एंगल, मगर ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है। तो इसके सामने, एंगल के सामने जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं लंब, ठीक है। और जो समकोण के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? तो कर्ण। और जो बच गया वो बेस, मतलब कि आधार हो गया। तो हमको ए बी मालूम है, बी सी मालूम, हमको ए सी निकालना है। तो ए सी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस है, तो लिख लेंगे पहले दिया गया, ठीक है, दिया एक के लिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन है, पहले एक सॉल्व कर दे इसका। एक में दिया गया है, दिया गया है हमको, हमारे पास क्या दिया गया है? हमको दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या चीज है? हमको निकालना ए सी। तो इसीलिए पाइथा गोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसे हम निकाल लेंगे ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमको ए सी निकालना है। ए बी कितना दिया गया है? ए बी दिया गया 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना की दिया गया? 7 7 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 × 24 4 4 16 1 4 4 2 8 8 8 1 8 8 9, ठीक है, एंड 4 2 8 2 2 4, ठीक है, 6 7 5, मतलब 5 7 6 हो जाएगा इसका, ठीक है, 5 7 6 प्लस 70 49, ठीक है, प्लस 49 ऐड करने कितना हो जाएगा? 5 12, मतलब 2 एंड 6, मतलब 625। तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू आया है, ए सी स्क्वायर का वैल्यू आया है 625। तो इसीलिए ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 625, मतलब ए सी इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो यही आएगा, 5 25 लगल 2, 5 2 10, 10 2 12, एंड 25 2 50, 5 2 6, ठीक है, 625 आता है 5 25 का स्क्वायर। अब हमको निकल गया क्या चीज? अब हमको निकल गया ए सी भी निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा है? साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है? तो साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच। अभी का क्या कॉस बी का कॉस ए का क्या हो गया? बी बटे एच। तो पी मतलब क्या होता है? लंब, मतलब कि पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब। तो ए के लिए कौन? ए के लिए लंब कौन हो गया? कौन ए के लिए लंब हो गया? 7। तो
सेवन बटे एच कौन हो गया कर्ण जो निकाले हैं 25 गुने कोण ए के लिए बी कौन हो गया मतलब बेस कौन हो गया, बेस मतलब आधार कौन हो गया, तो आधार हो गया हमारा ए बी, तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर एंड एच मतलब कर्ण, कर्ण कितना निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो अब कर देंगे मल्टीप्लाई 25 25 625 24 27 28 7 14 15 16 ठीक है 168। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिए नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ठीक है 28 60 में लो समझो पन्ना सोलह ठीक है ठीक है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकेंड में क्या पूछा हुआ है, सेकेंड में पूछा हुआ है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा तो यहां पे एंगल सी के लिए पूछा है ठीक है, एंगल सी के लिए तो हम इस लंब को आप मिटाएंगे, अब एंगल सी के लिए लिखेंगे हम इस एंगल को ही मिटा देंगे, अब इसको ही मिटा देंगे ठीक है, आधार को ही मिटा देंगे, कर्ण तो फिक्स रहता है ठीक है, तो कर्ण में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप मान लीजिए हम एंगल सी, तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए लंब होगा जो एंगल के सामने होगा ठीक है, तो लंब इसके लिए ये हो जाएगा और आधार बचा हुआ हो जाएगा ठीक है, बचा हुआ पूछा आधार हो जाएगा, तो यहां पे वही करना है। साइन सी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, साइन सी क्या होता है पी बटे एच इंटू बी बटे एच, पी मतलब लंब, लंब इसमें कौन हो गया कौन सी के लिए, कौन सी के लिए लंब है 24 मतलब कि ए बी बटे एच तो वही सेम रहने वाला है, तो 25 गुने एंड बी मतलब बेस कौन होने वाला, बेस होने वाला है 7 बटे एच 25, तो इसको भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा 168 अपॉन 625 ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में बीच में कॉमा है ठीक ना, तो इसको अलग अलग वैल्यू लिखना है, मतलब गुना का नहीं लिखेंगे ठीक है, इसमें बीच में गुना नहीं है ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू लिखना है, तो इसमें हम गुना नहीं करने वाले हैं ठीक है, अलग अलग ये सब वैल्यू है ठीक है, मतलब कि साइन ए का वैल्यू ये हो गया, कॉस ए का वैल्यू ये हो गया एंड साइन सी का वैल्यू ये हो गया एंड कॉस सी का वैल्यू ये हो गया ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इस आकृति में देखना ठीक है, 8.31 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान क्या होगा ठीक है, तो हम इसको पहले साफ करेंगे उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर टू, टू क्या है एक एक फोटो दिया गया ठीक है, एक फोटो, तो हम उस फोटो को पहले ड्रॉ कर लेंगे ठीक है, उगवा लेंगे, इसमें दिया गया है पी क्यू एंड आर, जिसमें कोण क्यू दिया गया है समकोण है, पी क्यू का लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर का लंबाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो हमको बताना है मतलब हमको क्या बताना है टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा हमको ये बताना है, तो जिसका जैसा काम हम पिछला वाला में किए तो ऐसा ही काम इसमें भी करेंगे, पहले कोण पी के लिए निकालेंगे वैल्यू और उसके बाद कोण आर के लिए निकालेंगे, तो मानिए हम पहले कोण पी पे काम करते हैं, एंगल पी पे काम करते हैं, तो इस एंगल को मान लिए एंगल ठीक ना, कोण पी को मान लिए मेन एंगल ठीक है, तो इस एंगल के सामने जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम उसी को बोलने वाले हैं लंब, और इसके सामने जो होगा वो होगा कर्ण, जो बच गया वो क्या होगा, तो वो होगा आधार ठीक है, तो हमको आधार मालूम है कर्ण मालूम है और लंब नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो सीधा लगाएंगे यहाँ पे, दिया गया नहीं लिखते उसको अपना लिख लीजिएगा ठीक ना, उसे समय बहुत लग जाएगा इसलिए वो सब नहीं लिखते, सीधा हम आते हैं टू द पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा लिखेंगे पाइथागोरस मतलब ऊपर होगा दिया गया है फलाना ढिमकाना ये सब जो दिया गया वो लिख लीजिएगा ठीक है, उसके बाद लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, लिखेंगे कर्ण कौन हो गया कर्ण का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर ठीक है, हमको निकालना क्या चीज का वैल्यू निकालना है, हमको क्यू आर का वैल्यू, तो क्यू आर को यहीं पे छोड़ देंगे बाकी को इस बगल ले आएंगे ठीक है, मतलब कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे, पी आर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो हमारे पास पी आर का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू
पी क्यू का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो कितना हो गया 169 इसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है 144 होता है इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ बच गया 25 एंड क्यू आर का स्क्वायर, तो इसीलिए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का, ऐसे ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे आएगा रूट, ये रूट कितना होता है इसका 5 होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास ये भी आ गया, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर ठीक है। अब हम हमारे पास लंब भी आ गया 5 सेंटीमीटर, तो हम टेन पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते तो लिखेंगे टेन पी इज इक्वल टू, टेन पी इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार होता है, होता है। तो अब देखेंगे एंगल पी के लिए, यहाँ पे क्या एंगल है, एंगल है पी, तो पी के लिए आधार कौन है, तो पी के लिए आधार वही था वही है 12 सेंटीमीटर, लंब कौन है 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5 हो गया लंब, आधार कितना हो गया 12 हो गया। अब निकालेंगे टेन, अब क्या चीज है कॉट, कॉट आर के लिए, अब यहाँ पे एंगल क्या आ गया आर, तो हम इस लंब को भी मिटाएंगे, अब आधार को भी मिटाएंगे ठीक है, कर्ण तो वही रहने वाला है, और इस एंगल को भी मिटाएंगे, यहाँ पे किस एंगल का बात होगा, यहाँ पे आर एंगल का बात होगा, तो फिक्स माने एंगल को, आर को हम एंगल माने ठीक है। इसके सामने क्या हो जाएगा, तो वही पिछला वाला खेल, लंब जो बच गया वो आधार। तो कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट का होता है टेन का उल्टा, जस्ट टेन का उल्टा, तो इसका होता है आधार बटे लंब, और टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसमें आधार कितना है, आधार कितना है जो एंगल आर के लिए आधार हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, एंड कर्ण हो गया कर्ण नहीं, एंड लंब हो गया कितना 12 सेंटीमीटर, किसके लिए तो एंगल आर के लिए। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया हमसे यहाँ पे टेन पी ठीक है, टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू व्हाट, तो टेन पी का वैल्यू कितना निकाले हैं, टेन पी का वैल्यू निकाले हैं 5 बटे 12 माइनस, एंड कॉट पी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5 बटे 12, तो कॉट कितना आएगा, कट के 0 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 इज द फाइनल आंसर ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साइन का वैल्यू दिया गया है, साइन ए का वैल्यू कुछ दिया गया, उसके बाद कॉस ए का वैल्यू पूछा है, टेन ए का वैल्यू पूछा है, तो ये आसान सा सवाल है, आसान सा मतलब पूरा चैप्टर है आसान सा सवाल है, लेकिन हम फिर भी बता देते सब सवाल ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारे पास है, हमको दिया गया क्या चीज, साइन, साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3/4, एंड हमको निकालना क्या चीज है, एंड निकालना है हमको कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट एंड टेन ए इज इक्वल टू व्हाट, हमको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब हमारे पास दिया गया ये है, हमको निकालना है कुछ, तो वही जो दिया गया वो लिख दीजिएगा, दिया गया है फलाना ढिमकाना ये सब लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, चूंकि साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3/4, हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लंब बटे कर्ण, मतलब बोले तो लंब का हो गया पी एंड कर्ण का कितना हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा एच, तो हम यहाँ पे कंपेयर करके बोल सकते हैं पी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू 4 है, क्यों नहीं बोल सकते थे, इसीलिए पी इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 4 होगा। अब हमको यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर मतलब कि लंब भी आ गया है और हाइपोटेनस मतलब कि आधार मतलब कर्ण भी आ गया, हमको चाहिए अब आधार, तो आधार निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगाने वाले हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू निकालना है हमको, तो बी को इसी बगल लगाने देंगे, बाकी सबको इस बगल ले आएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना दिया गया, एच का वैल्यू दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 माइनस 9 ठीक है, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 13
सेवन बच जाएगा ना, सेवन बच जाएगा, ठीक है, सेवन इजिकल टू पी स्क्वायर। तो इसीलिए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर सेवन आया। अब चलेंगे हम आगे की ओर, हमको अब पी का वैल्यू आ गया। आप पूछ रहा है टेन कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस पर हम जानते हैं क्या होता है, बी बटे एच। तो बी का वैल्यू निकाल लिए, बी का वैल्यू कितना निकाले, रूट अंडर सेवन, और एच का वैल्यू कितना दिया गया, एच का वैल्यू दिया गया है फोर। तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा, एंड सेकेंड आंसर होगा टेन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बटे बी। तो पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, दिया गया है पी का वैल्यू दिया गया है तीन, एंड बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो रूट अंडर सेवन हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा ये। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर नंबर ये, और राइट नहीं मतलब फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर, जो कुछ इस प्रकार से है, 15 cot A = 8 हो तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें भी हमको कंपेयर करके कुछ का वैल्यू निकलेगा, कुछ का वैल्यू अपने से निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तक देख लिए थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर जो है क्या चीज दिया गया हमारे पास, कुछ दिया गया कुछ निकालना है। दिया गया हमारे पास 15 cot A = 8, तो क्या चीज है, साइन ए, ठीक है, एंड सेक ए इजिकल टू व्हाट, मतलब कि दोनों का आपस में वैल्यू निकालना है, अलग अलग वैल्यू निकालना है, ठीक है। सेक का वैल्यू निकालना है और जा साइन का वैल्यू निकालना है एंड सेक का वैल्यू निकालना है। हमारे पास दिया गया मटेरियल है ये, ठीक है, तो फिर से हम इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 15 cot A = 8, ठीक है, हमको ये दिया गया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉट ए इजिक्वल टू 8/15, 8/15 लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब चूंकि हम जानते हैं कॉट इजिक्वल टू क्या होता है, कॉट इजिक्वल टू होता है आधार बट्टे लंब होता है, बोले तो बी बट्टे पी होता है, तो इसीलिए हम कंपेयर करके लिख सकते हैं बी इजिक्वल टू कितना 8 एंड पी इजिक्वल टू 15। तो लिखेंगे इसीलिए बी इजिक्वल टू 8 एंड पी इजिक्वल टू 15, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमारे पास बी है पी है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एच, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस, सब में लिखना होता है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा हमको एच निकालना है, तो निकालेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको एच का निकालना है, तो एच को सही करने देंगे। पी का वैल्यू कितना दिया गया, पी का वैल्यू दिया गया हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी, बी है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64 इक्वल टू 55, 962 8 एंड 22, तो ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 का, 7 × 7 7 × 7 4 9 4 7 and 4 11 7, ठीक है, 9 8 2 हो गया 7 17 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो इसीलिए एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हटा रूट स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा इस पे, तो कितना बच गया, यहाँ बच गया एच इक्वल टू 17, ठीक है। अब देखिए हम हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एच भी आ गया एंड बी भी आ गया एंड पी भी आ गया, मतलब पी भी तो दिया ही था, हम एच निकाले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ने पूछा गया है साइन ए, तो लिखेंगे फर्स्ट में पूछा गया है साइन ए इजिक्वल टू साइन, साइन ए इजिक्वल टू होता क्या है, सीधा साइन इक्वल टू क्या होता है, होता है पी बटे एच, मतलब कि लंब बटे कर्ण, ठीक ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब पी क्या है, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 15 एंड एच का वैल्यू कितना है 17, तो हमारा साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, साइन ए का वैल्यू हो गया 15/17। एंड दो में पूछा गया है सेक, सेक ए इक्वल टू व्हाट, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर होता है, सेक बराबर होता है बी पी बटे एच, ठीक ना, नहीं, एच बटे पी, जस्ट इसका अपोजिट होता है एच बटे पी, एच बटे पी होता है, हाँ एच बटे पी
एच बटे बी होता है, एच बटे बी होता है नॉट पी, एच एच बटे बी। तो इसीलिए साइन सेक सेक ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच। एच का वैल्यू कितना निकाले हम, 17। एंड बी का वैल्यू कितना दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है 8। मतलब हमारा सेक का वैल्यू हो जाएगा ये, एंड साइन ए का वैल्यू हो जाएगा ये दोनों मिला के हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है साइन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलन कीजिए। मतलब कि सेक इज इक्वल टू इतना दिया गया, उसके बाद हमको निकालना है साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉट निकालना है, टेन निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक, सब का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। ठीक ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना है हमको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 को मिटाओ, यहाँ पे 5 लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 है दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सभी त्रिकोण त्रिकोण मितीय सभी त्रिकोण मितीय अनुपात बताए क्या होगा, अनुपात बराबर व्हाट। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या 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 आता है, तो हम इसमें आता है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। मतलब कि सब का वैल्यू हमको निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का वैल्यू हमको निकालना है। तो वही बेसिक सा जो हमको दिया गया उसमें हम पहले ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारे पास है क्या चीज, हमारे पास है सेक सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है बी बटे जी नहीं सॉरी एच बटे बी होता है। ठीक है, तो यहां से हम कंपेयर करके एच और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एच का वैल्यू हो जाएगा कितना 12 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, एच का वैल्यू हो जाएगा 13 एंड बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो यहां पे लिखेंगे इसीलिए एच इज इक्वल टू 13 एंड बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, बी इज इक्वल टू 12। अब निकालना है हमको क्या निकालना है, एच का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, नहीं मतलब पी का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा पाइथागोरस से, कैसे निकलेगा पाइथागोरस से। ठीक है, निकल गया मतलब निकाल गए अभी। तो पाइथागोरस में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच। एच का वैल्यू क्या दिया गया, एच का वैल्यू दिया गया 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी का वैल्यू हमको निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, एंड पी का वैल्यू दिया गया 12 तो लिख देंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इसको उठा के इस बगल लिया है तो कैसे आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो घट कितना आएगा, तो घट का आएगा 15। 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसीलिए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, पी का वैल्यू आ जाएगा 5। कैसे स्क्वायर हटा इसको मिटाए और तो यहाँ पे रूट चढ़ा दिए तो कितना हो गया 5 हो गया ना। अब देखते हैं हम इस 6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, 6 का वैल्यू निकालते हैं, अब तो यहां पे निकालते हैं साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू, या कॉस ए सब में ठीठा है ठीठा है ठीठा ठीठा, टेन ठीठा इज इक्वल टू, ठीक है, कॉट ठीठा इज इक्वल टू, सेक ठीठा इज इक्वल टू एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी बटे एच, एंड कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटे एच, एंड टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटे बी, एंड कोट थीटा बराबर बी बटे पी, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू एच बटे बी, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बटे पी। ठीक है, तो अब चलेंगे हम साइन थीटा की ओर। इसमें क्या पूछा गया, पी बटे एच, तो हम देखेंगे पी का वैल्यू कितना निकाले थे हम, तो वो था 5 एंड एच का वैल्यू कितना है 15, तो लिख देंगे
13। उसके बाद कॉस का वैल्यू निकालेंगे, कॉस में क्या पूछा गया, बी बटे एच, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 12 एंड पी और एच का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12/13। अब टेन का, टेन में क्या हो, क्या पूछा गया है, पी बटे बी, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं 5, तो लिख देंगे 5 एंड बी का वैल्यू कितना है 12, तो लिख देंगे 12। ठीक है, अब कॉट का, ठीक है कॉट जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो उल्टा क्या होगा, तो 12 ऊपर ले जाएंगे, 12/5 है, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 12, तो लिख देंगे 12 एंड पी का वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 5। एंड सेक, सेक इसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा करके लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 13/12 लिख देंगे, नहीं तो एच का वैल्यू देखिए, एच का वैल्यू कितना है 13, तो 13 एंड बी का वैल्यू है कितना 12/12 एंड कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे 5/13/5, मतलब कि नहीं है तो विश्वास कर लीजिए, मतलब नहीं मिल रहा तो इसे विश्वास कीजिए। 15 मतलब एच, एच कितना दिया गया है क्वेश्चन में, एच है, एच 13 दिया गया, तो 13 सही है एंड पी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो हमारा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 5/13, 12/13, 5/12, 12/5, 13/12 एंड 13/15, ये सब हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोण ए इज इक्वल टू कोण बी है, तो दिखाए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम इसको बताते हैं, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अपना से ध्यान लगाइएगा, इस पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पर दीजिए, मतलब इस पर टाइम दीजिएगा थोड़ा, उसके बाद हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, 6 में मतलब पूछा दिया गया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और ट्रायंगल उगाएंगे और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मतलब कि ऐसे ऐसे ट्रायंगल होगा, मतलब कहीं और समकोण होगा, ऐसे होगा। ठीक है, मानी कि समकोण है, तो हो गया ए बी सी, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक ना, तो हम एक बार एंगल इसको मानेंगे, एक बार एंगल इसको मानेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू लिखेंगे और उसमें भी कंपेयर कर देंगे। ठीक है, उस टाइप से बनेगा, बनाइएगा, ना बनेगा तो हम कल इसको, इस सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।